वेरी हैप्पी होली और मुंबई में मेरी पहली होली है और इस बार मैंने सोचा कि पूरी होली मैं अपने जो मीडिया है जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूं और हम लोग खेल रहे हैं आज होली। मैं तो चाहती थी कि पूरी मीडिया सेट पे आए लेकिन कुछ लोग बिजी थे इसलिए मैंने सोचा कि होली समारोह एक समारोह रख के हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हो एक साथ होली सेलिब्रेट करें। और फर्स्ट टाइम मेरी भी बार बार मैं बोल रही हूँ कि मुंबई में फर्स्ट होली है इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ खेलने के लिए। फिल्म में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जितने भी आर्टिस्ट थे सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया और हमारे डायरेक्टर रितेश जी उनके साथ मैंने ऑलरेडी मेरी फिल्म में पहले प्रोड्यूसर थे और आज ये मेरी फिल्म के डायरेक्टर हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था। विकास जी थे मेरी फिल्म में जिन्होंने ऋषि मुनि का कैरेक्टर किया हमेशा से। बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस रहे हैं फर्स्ट फिल्म से लेके अभी तक और सब अच्छा था, सबने बहुत कॉपरेट किया। फिल्म में ऐसा कुछ सीन है होली का? ऐसा कुछ नहीं, नहीं फिल्म में होली का कोई सीन नहीं है, वो बचा के रखा था आप लोगों के साथ खेलने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट टाइम मुंबई में होली मना रही हो, कैसा रहा मुंबई का होली को किस तरह से? बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पे आ गए मेरी फिल्म के सपोर्ट करने के लिए तो इससे अच्छी मेरे लिए और क्या बात होगी। नेहा जी बात करें, आप अभिनेत्री के साथ अभी प्रोड्यूसर बन गए और एज ए प्रोड्यूसर आपकी पहली फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में आपने प्रोडक्शन हाउस साथ चालू किया? मैं तो राजस्थानी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी हूँ फिल्म, लेकिन रितेश जी चाहते थे कि मैं एक भोजपुरी फिल्म भी प्रोड्यूस करूँ और तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है अभी यहाँ से स्टार्ट कर दी जाए। तो मेरी फिल्म आ रही है चना जोर गरम और राजस्थान में छोरी नंबर वन। बात करें जैसे बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा जी ने अपना भोजपुरी प्रोडक्शन हाउस चालू किया, भोजपुरी फिल्म बना रही, दूसरी बना रही है, इस तरह से आप राजस्थानी अभिनेत्री होकर के भोजपुरी प्रोड्यूस किया तो क्या प्लानिंग? प्लानिंग क्या, मैं तो ऑलरेडी फिल्म कंप्लीट हो गई है, अभी अभी नेक्स्ट फिल्म की तैयारी हमारी चल रही है। अच्छा है, बहुत दोनों लैंग्वेज मेरे लिए बराबर है, यहाँ पे लिट्टी भोजपुरी में लिट्टी चोखा चलता है, वहाँ दाल बाटी चलता है, तो मेरे लिए दोनों ही बहुत मनपसंद है मेरे लिए और दोनों लैंग्वेज के लोगों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, हमेशा से प्यार दिया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए कुछ करती रहूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एज ए प्रोड्यूसर? अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ अलग था एज एन आर्टिस्ट जो हमेशा से रहा है सेट पे, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया सबकी नज़र। मुनि के बारे में कुछ बताना नहीं है, वो सब पर्दे पे दिखेगा। एक 80 साल के उम्र के किरदार को करना था मुझे, मुझे अच्छा लगा, मैंने बुलाया, मैं किया उसको। और पहले तो होली के आप लोगों को सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पहला होली मिलन समारोह हम लोग कर रहे हैं और जो सोचे रितेश जी नेहा जी कि हम लोग होली मिलन समारोह करना चाहिए पत्रकारों के साथ में मीडिया के साथ में, वो हम लोग कर रहे हैं, तो इसको सबको करना चाहिए, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को करना चाहिए एक होली मिलन समारोह जिसमें सब लोग रहें और अपने अपने जगह पे आप सबको मनाना चाहिए। फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म में हम लोग साथ में रहे, शूटिंग के बाद भी हम लोग साथ में रहे, लेकिन प्रोड्यूसर थोड़ा कड़क हैं जो डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगा, मुझे तो बहुत प्यार से एज ए आर्टिस्ट जैसे रहती थी, अभी भी उसी तरह से हैं, एज ए दोस्त हैं हम लोग, मैं तो चाहूंगा जो महीने में एक फिल्म आते रहो। जैसे कि गांव के होली को मिस करते हैं आप? जैसे मुंबई में तो बिजी शेड्यूल रहते हैं, बहुत मिस कर ले भाई जी, बॉम्बे में होली होता नहीं है, ये होली हम लोग खेले नहीं है अबीर, और वहाँ होली होता है किचन में ले उठा पटा एकदम मारो झगड़ा तक हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन सब सब लोग एक होते हैं और वो एक एक दिन का मजा है जो हम लोग मिस करते हैं मुंबई में। विकास जी बात करें जिस तरह से बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा ने भोजपुरी फिल्म बनानी शुरू किया है तो उस तरह से राजस्थानी फिल्म होकर इन्होंने भी भोजपुरी में प्रोडक्शन चलकर भोजपुरी फिल्म बनाना शुरू किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने बिजनेस के हिसाब से वो आके फिल्म बनाई है, वो बिजनेस के लिए आके फिल्म बनाई, इन्होंने बिजनेस के लिए नहीं बनाया, ये एज ए आर्टिस्ट भोजपुरी की थी हैं और मुझे लगता है कभी भी रहेंगी, प्रोड्यूसर आज बनी हैं, पहले भी इनकी बहुत बड़ी हिट हुई थी फिल्म साईं चले ससुराल, तो जो भोजपुरी आर्टिस्ट हैं अगर प्रोड्यूस की तो खुशी की बात है जी, इनको अच्छा लगा फिल्म में प्रॉफिट है, इनको लगा होगा जी मेरी बात को नहीं लोग सुन रहे हैं तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए, इनकी स्क्रिप्ट भी अच्छी है और इन्होंने प्रोड्यूस किया, एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया पब्लिक में और हम लोग उसको इंतजार करेंगे जब रिलीज होगा तो। राजस्थानी फिल्म जो है छोरी नंबर वन है और जो भोजपुरी में भी शूट हुई है वो है चना जोर गरम जिसके डायरेक्टर रितेश। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह ये प्रोग्राम हिट हुआ उसी तरह पिक्चर भी हिट है हमारी, बहुत अच्छी बनी है पिक्चर। फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए?
फिल्म तो आप सामने आएगा ही कहेंगे, सब लोग तो बोलते हैं कि हम लोग अच्छी फिल्में ही बनाते हैं, अच्छे काम ही करते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि एक बार देख लीजिए, हम लोग ने भी अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन अब पब्लिक को पसंद आ जाए, पब्लिक को लेके फिल्में बनाते हैं, पब्लिक को क्या पसंद है, एंटरटेनमेंट देते हैं बस, 30 रुपये का एंटरटेनमेंट बस खत्म। रितेश जी बात करें, जैसे नेहा श्री जी अभिनेत्री से फिल्म निर्माता भी बन गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट आपको मिला? मैंने तो इनको स्क्रिप्ट सुनाया, इन्होंने धड़ाक से बोला कि चलिए शूटिंग कीजिए, तो इससे लगता है कि एनर्जी लेवल इतनी आई है कि इसमें साल में हमको लगता है कि 15-16 फिल्म बनेंगे। कितने फिल्मों का आप डायरेक्टर रहेंगे? अब इनके ऊपर है मैं कितने फिल्म करूंगा, क्योंकि हिट उनका चलते रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आर के गोस्वामी, हमारे भैया रितेश ठाकुर भैया मेरे बहुत पुराने रिलेशन से जुड़े हैं, भैया हमारे डायरेक्टर हैं, और चना जोर गरम बहुत मस्त पिक्चर बनी है, और मैं चीलम दास इसमें करेक्टर कर रहा हूँ, लेकिन मैं लड़की का करेक्टर कर रहा हूँ, मैं घर से गरीब आदमी हूँ, लेकिन बाहर मैं लड़की बन के मैं सपेरा के साथ नाग देवता को फोंक फोंक कराता हूँ, और बहुत पैसे कमाए हैं और बर्बाद भी किए हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत होली की शुभकामनाएँ देते हुए मैं ये बोलूँगा कि मैं बिहार से हूँ, बिहार में ज़बरदस्त होली खेली जाती है, मैं यही बोलूँगा कि सारे यूनिट मिल के जबरदस्त होली खेले, होली है बूढ़ा ना मानो होली है, बूढ़ा ना मानो या बुरा ना मानो होली है, अरे तो बरौती में तो होली खेल जाला, इसके जमाने में तो हम खेलवा गई नहीं, बरौतियों में खेला। तो स्वामी जी बात करें नेहा सिंह जी की, जो फिल्म अभिनेत्री से पहली एज ए प्रोड्यूसर उनकी फिल्म चना जोर गरम की शूटिंग आपको कंप्लीट की, क्या कहना चाहेंगे नेहा जी के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब शुभकामनाएँ मैं दूंगा कि उनकी लगातार पिक्चर बनती रहे, मैं इसमें काम करता रहूँ, सभी कलाकार लोगों के साथ मिले काम करके बहुत अच्छा लगा, वैसे नेहा जी बहुत अच्छी हैं। भैया के साथ काम करके मुझे इसलिए अच्छा लगा कि एक ही बार में समझ जाते हैं डायलॉग क्या बोलना है, यही मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। होली कैसे मनाने वाले हैं इस बार? होली नवोता सिलवाने वाला हूँ, हेमंत का हेमंत कुर्ता दो ड्रेस मेरा बन रहा है, बजरंग बली बनूंगा, फिर कुर्ता पजामा पहन के अभी खेलूंगा लोग बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ बिहार जाऊंगा, फिर होली खेलेंगे, अभी अभी तो आपके साथ खेल रहा हूँ, फिर अभी भी खेलूंगा। और करिया करिया लाल करिए।